एक और कोरोना संक्रमण महामारी दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए खातेगांव क्षेत्र में युवाओं ने ऑक्सीजन टीम का गठन कर जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है वो निरंतर जारी है। इसके लिए उन्होंने बड़े शहरों से ऑक्सीजन की बड़े सिलेंडर लाए और उन्हीं सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में ऑक्सीजन को रिफिलिंग कर जरूरतमंदों को निःशुल्क दे रहे हैं। ऑक्सीजन टीम में एक दर्जन से अधिक युवा शामिल है। इन युवाओं को नगर तथा आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिल रहा है, जिससे यह टीम अपनी मुहिम को और अच्छी तरह से अंजाम दे रही है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए देवास से उपाध्याय की रिपोर्ट। 16 तारीख से हम लोगों ने यह काम स्टार्ट करा है। जब कोविड सेंटर चालू हुआ था तो हमने देखा कि एक घंटे में कोविड सेंटर फुल हो गया और बहुत सारे मरीज जिनको बेड नहीं मिल रहे थे वो बाहर थे। सबको एक ही आवश्यकता लग रही थी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत होने के कारण फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई हमारी है और हम गाड़ियां लेके भोपाल पहुँचे ऑक्सीजन के लिए। जैसे तैसे जहां से ऑक्सीजन मिली वहां से लाए, जिस दाम में मिली उस दाम में लाए और ऑक्सीजन हमने खातेगांव के पेशेंटों को मुहैया कराई है और अभी तक कराते रहे हैं। 16 तारीख से अभी तक आपका ये कारवा लगातार चल रहा है, कितने लोगों को प्राण अपने बचाए हैं अभी तक? गिने तो नहीं पर अनगिनत लोग हैं। कम से कम ये मान के चलो 500-700 लोगों को हमने अभी तक ऑक्सीजन दी है। खातेगांव तहसील के सारे लोग जिधर किधर से आते हैं, ऑक्सीजन बाटले भी हमने मुहैया कराए उनको, छोटे बाटले, और सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं उनको। रात हो या दिन हो, जायज कैसे ही टाइम हो, ऑक्सीजन हम उनको मुहैया करा रहे, भर के दे रहे हैं। हमारी ये टीम में पूरे लोग ही हमारे रात रात दिन जाग जाग कर और ऑक्सीजन दे रहे हैं हमारे ये भाई। और आपको सहयोग कहाँ कहाँ से मिल रहा है इस काम के लिए? अभी तो सहयोग नगर से हमको मिल रहा है। क्या अपेक्षा रखते हैं आप और नगर के लोगों से? नगर के लोगों से ये अपेक्षा रखते हैं हम कि जिन लोगों ने ये ऑक्सीजन में लोगों की जान बचाने में सहयोग किया है, हम उनका दिल से शुक्रगुजार हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रहे वो, उनका परिवार अच्छा रहे। हमारे साथ जुड़े अजय साहू जी। अजय जी, लगातार आपकी टीम के द्वारा रात और दिन ये प्रयास किया जा रहा है प्राण बचाने का। आपको नगर में लियाकत और अजय